हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जी के इंसाइड में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, वो ठीक मेनली देखिएगा आप, इसमें हार्ड क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक, चलिए। तो अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 91 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 9858, इसको कैसे करेंगे? तो करिए, 91 का स्क्वायर करिए, 91 का स्क्वायर कैसे ऐसे करिएगा। ठीक है, तो एनटीपीसी छोड़ दीजिए सपना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर नहीं आपने देखा है तो वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट का, वो एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन 91 का स्क्वायर जो होगा ना, क्या करना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये 100 बेस मानेंगे, 100 बेस। ठीक, 100 से नजदीक है ना, 100 बेस मानेंगे। अब बताइए 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है ना 100 से, 100 से 9 कम है। लेकिन मेरा जो ट्रिक है वो क्या करता है, जिसका निकाल रहे उसी से 9 घटा देना है। ठीक, ऐसे एरो मार देना है, जितना से घटाए ना उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 282, 9 का स्क्वायर 81, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 82, 81। अब 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए ट्रिक होगा, इसके लिए भी ट्रिक है क्या, तो आपको एक चीज पता होगा, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना आप इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी, किसी पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये 100 बेस नजदीक है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिया है। ये बहुत हल्का है, मतलब 100 बेस रहेगा, 200 बेस, सब मैंने आपको बताया है। लेकिन ये देखिए 100 से बहुत दूर है, तो इसको हम इस मेथड से निकालते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, कुछ नहीं यहाँ पे, बी जितना प्लस है ना उसको हटाइए, एरो मारिए, जैसे यहाँ पे मारे 2ab बाय बी स्क्वायर, ऐसे मानेंगे। लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से बी स्क्वायर इसमें कितना हो जाएगा, इसको ए मानते इसको बी मानते, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 into a into b, 2 into a 4 into 1, हाँ होगा ना, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखिए आप बोलिएगा सर आप तो बोले एनटीपीसी दूर, आप इतना कर रहे हैं लेट से, तो भाई मेरे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक, आप प्रैक्टिस करिएगा ना, सेकंड में आंसर आएगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इतना। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16, 4 2 8 1, कितना हो जाएगा 16 8 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक, इसको फिर हटा दीजिए, 16 8 1 हो जाएगा ना, 16 8 1 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 9858, जो घटाव आता ही होगा, नहीं आता है, भूल गए लॉकडाउन में, रूट एक्स चल जाएगा इस साइड चल जाएगा पॉजिटिव, अब इसको माइनस हो जाएगा इस साइड, तो इसको जोड़िए, 2 2 4 सॉरी 1 1 2, 8 8 16 6 1, 7 2 9 8 1 9, माइनस इसको घटाएंगे 9858, क्या हो जाएगा भाई, अगला 4 5 बचा 0 1, 104 बचा ना, रूट एक्स कितना बचा 104। अब स्क्वायर करेंगे, एक्स का वैल्यू चाहिए हमको, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 140 स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया है, ट्रिक बताया है, वो भी देख लीजिएगा। ये देखिए 100 से ज्यादा है, 100 से कम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देते हैं, 100 से ज्यादा है तो इसमें ऐड कर देते, देखिए कैसे, मैं बता ही देता हूँ आपको, पता है 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप ऐसे करिएगा तो आपका समय व्यर्थ होगा। ठीक, आपको पता है 104 जो है 100 से कितना बड़ा है, 100 से 4 बड़ा है ना, तो 100 से 4 बड़ा है, लेकिन हमको यही संख्या से 4 ऐड करके लिखना है, 1 प्लस 4, कितना बड़ा है 4, तो उसका स्क्वायर 16। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 करिए, 108 हो जाएगा इधर, 16 कितना हो जाएगा, 10816 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 42% ऑफ 445 माइनस 25% ऑफ 354, ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ रहे या हिंदी वाले को लिए का रहता है, ठीक मतलब गुना होता है, इसका मतलब गुना होता है, गुना करिए, 42% किसका, 445 का,
42% है तो बाय 100 हो जाएगा, ठीक। माइनस 25% मतलब 100 ऑफ, मतलब क्या गुना, हिंदी वालों के लिए का, ठीक है, यही तो निकालना है। एक्स देखिए 5 8 40, 5 9 45, 5 20 सन, 2 10 है, 2 21, ठीक, 25 चौके 2 17 17 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 21 × 89/10 −177/2 = x, ठीक। अब जोड़ घटा गुणा भाग आता है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x परसेंट ऑफ 340 + 48% है, 480 नहीं 48% है, प्रतिशत ऑफ 480 बराबर है किसके, 451.40, ठीक। ऑफ है मतलब क्या गुना है, ऑफ है मतलब क्या गुना है, हिंदू वालों के लिए ऑफ मतलब क्या, यही होता होगा मे भी, देख लीजिएगा आप, ये निकालना है ना को, इसको इस साइड ले जाइए, x परसेंट ऑफ 340/100, परसेंट है तो भाई 100 हो जाएगा, 451 - 40 माइनस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 48% किसका, 480 का बाय 100, परसेंट है तो बाय 100 होगा, यहाँ से ये गया, ठीक है, यहाँ से ये गया। अब इसको 48 का स्क्वायर कितना होता है, पढ़ें आप, 48 का स्क्वायर है ना, तो 0.4 होता है इसका वैल्यू, ठीक। ये फॉर्मूला आप करिएगा, इस पे आ जाएगा, ये एक बार बना के देखिएगा, ठीक है। 150 तक तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, समझे, तभी कोई गुजारा है NTPC में, अगर फास्ट कैलकुलेशन आप चाहते हैं तब, 230 नहीं तो सिंप्लीफिकेशन सबको आता है, 3 क्लास का बच्चा भी बनाएगा, लेकिन वही है टाइम का मैटर करता है, आप आधा घंटा में बनाइएगा या फिर वो 1 घंटा में बनाएगा, यही होगा, या फिर आप 2 सेकंड में बनाइएगा, या फिर 6 क्लास या 3 क्लास का बच्चा बनाएगा 10 मिनट में, यही तो आपको आगे उसको उससे ले जाता है, ठीक। अब देखिए 23.04 है या इसका वैल्यू, बाय 10 तो है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, 230.4 है, ठीक। अब इसको घटाइए इससे, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 3.4, 451.40 को घटाएंगे कितना से, 230.40 00 एक में से एक हो जाएगा 221 आएगा यहाँ से, 3/4 करिए, ठीक हो जाएगा मालिक, इसको हटाइए तो ऊपर 10 गुना हो जाएगा 17 × 2 = 34, 17 × 1 = 17, 5 × 17 = 51, 2 × 5 = x = आपका 65 आया, ठीक। कोई क्वेश्चन क्या बोल रहे, 5 नंबर, क्यूब रूट है 12167 का, ठीक है, फिर भाग का चिन्ह है 46 × 8 प्लस 2√2 है −256, और ये x निकालना है, तो आपको बोर्ड मास पर ही होंगे, ठीक। ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक, ये वो आपका क्रम अनुसार हो गया, ठीक। आपको पता होगा इसका क्यूब रूट निकालने आता है, नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है वो देखिएगा, ठीक, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लास्ट का संख्या को देखिए, पहले स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 पेयर बनाते थे, ठीक, क्यूब रूट में 3 पेयर बनाएंगे, 3 पेयर बनाए भाई, चलो 3 का पेयर बनाए। अब देखिए 7 का क्यूब मान लेते हैं, क्यूब रूट निकालना है तो इसका क्यूब निकालिए, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, हाँ, लास्ट का संख्या लिखिए 3। अब जो ये आ गया 12, जो बचा है 12, उसको कौन संख्या से गुना मतलब क्यूब करेंगे जो इसके नजदीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए नजदीक, 1 का क्यूब 1 आएगा तो बहुत छोटा है, 2 का क्यूब 8 आएगा, ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, 3 का क्यूब 27 का, ये ज्यादा हो गया मतलब 2 ही होगा, ठीक। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23, ये क्यूब इसका 23 हो जाएगा, ठीक। भागा में है गुने, तो भागा को चेंज करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/46 हो जाएगा गुने 8 प्लस 2√2 का पावर 6,
दो को छः से छः बार गुना करिए और रूट टू को छः बार गुना करिए तो आपका हो जाएगा 512 माइनस 256 इक्वल टू एक्स। 23 दूना 46, 2 चौके 6, ये 256 इतना होगा, बचेगा इतना प्लस 4 भी तो है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 260। ठीक, यही निकालना था हमको। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ 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 का मतलब क्या, इस साइड भी का गुना करी सबको, बोला था ना गुना करने, 1 0 9 6, अब एक्स परसेंट है कितना, 1600 का परसेंट का बटा 100 होता है, यही एक्स निकालना है हमको, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, काटिए, किससे कटेगा, 749, 7 2 14, हाँ 7 से काटिए, 7 1 7 बचा 5, 0 7 7 49, हाँ 49 फिर 1 बचा 19, 7 2 14, 5 6, 7 8 56। ठीक है, ये कर सकता है, 8 2 16, 1 बचा 2 है 12, 8 1 8, 4 8, 8 6 48, ठीक कर जाएगा। ये भी मैं भी कर सकता है, 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6, 3 24, ठीक 24 या 72। अब देखिए 24 5 120, 120 दूना 240 आपका एक्स है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, है दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई। ठीक, ये आंसर आ गया, ये आंसर कैसे आएगा, 16 कहाँ गया, 16 बाकी है मालिक, 16 ये 15 तब आंसर आया, गुने 16 तो थे यहाँ पे, डिवाइड करेंगे आंसर 15 आएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर में क्या बोल रहे, देखिए 4/32 गुने 80/560 गुने एक्स, ये निकालना है हमको परसेंटेज या फिल इन, सॉरी ये क्या है क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है क्यूब रूट है 2 का पावर 3/2 का, उसका स्क्वायर है प्लस 4 है। ठीक है, ये निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे भाई, पहले इसको काटिए ना, 4 8 32 8 10, ये 0 से 0 हो गया, मतलब इधर बचा क्या, एक्स बट्टा 56 बचा, इधर देखिए क्या बचा, आपको पता होगा 2 का पावर 3/2 इसको हम ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, आपको एक चीज बताते हैं, 2 का पावर, देखिए 2 है ठीक है, इसका क्यूब रूट है ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 1/3 लिखते हैं, हाँ मान लीजिए 7 है इसका क्यूब है, 7 का पावर 1/3 लिखते हैं, हाँ अब देखिए ये दिया है आपको, ये यहाँ पर ये 2 है, अब इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए ये ब्रैकेट नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा, 2 का पावर 3/2 पहले से मेरा अंदर में है, हाँ अब ये क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए यहीं पे देखिए क्यूब रूट 2 है तो क्यूब रूट हटा तो 2 का पावर 1/3 आया, 1/3 आया, क्यूब रूट 7 है तो 7 क्यूब रूट हटाने के लिए 7 का पावर 1/3 आया, तो यहाँ पे भी वैसे ही किए, 2 का पावर 3/2 क्यूब रूट हटाइए तो 1/3, अब पहले से एक 2 है स्क्वायर में तो ये गुना हो जाएगा, पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2 का पावर 3/2 गुने ठीक है 2/3, 2/3 पावर में है सब, ये गया ये गया, यहां से 2 आपका आंसर है, 2 आया ये, अब प्लस 4 है, 2 प्लस 4 राइट साइड में 6 आया। ठीक, इस साइड कितना है, एक्स बट्टा 56 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 56 गुने 6 मतलब 336 आएगा क्या, 6 6 36, हाथ में 3 6 5 6 30, हाँ 336 आएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3 का पावर x इक्वल टू 19683। ठीक है, आपको पता होगा क्या ये क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये है 3 का पावर कितना आएगा जो 19683 आएगा। ठीक है, ये मेनली आपका मतलब आप फैक्टोराइज करके करिएगा। ठीक है, तो ये आपका मेनली 9 आएगा। ठीक, अब बताइए बेस से,
सेम है, तो हमको मैटर करेगा पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आंसर करिएगा आ जाएगा, मैंने प्रैक्टिस पे है। देखिए आज का क्वेश्चन का एक 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 19 टू बाई थ्री पूर्णांक में है सब, देख लीजिए पूर्णांक में ठीक है। इसमें क्या आपको अपनाना है, जितना नंबर है ना पहले वाला बिना पूर्णांक वाला वो लिख लीजिए, क्या है 19 है इसमें, फिर घटाओ -33 ठीक, इसमें क्या घटाओ -26, प्लस है इसमें +45 ठीक है, ये है आपका संख्या। अब क्या करना है आपको, क्या करना है अब, प्लस करिए, प्लस तो होगा ही भाई ठीक है, प्लस अब क्यों प्लस होगा आपको बता दें, 6 + 2/3 को हम लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 2/3, हाँ तो प्लस हटेगा तो पूर्णांक ही में तो आएगा, उतना ही तो आएगा, बात तो बराबर ही है, तो यहीं पे प्लस मतलब क्या ये नंबर वाला है, पूर्णांक वाला जो होगा वो प्लस में होगा सिंपल। अब देखिए जो बाकी है पूर्णांक में है उसको लिखे 2/3 विथ साइन लिखना है, इन्हें बोलेगा सर यहाँ माइनस लिए यहाँ क्या माइनस लीजिएगा भाई, ये भी इसके साथ ही है ठीक है, तो -1/2 -3/4 +5/6 ठीक है, करिए अब कितना जोड़िए, जोड़ घटा होता है, इसको इसको घटाइए, इसको इसको जोड़िए, 19 + 45 कितना हो गया 5 9 5 14 4 हाथ में 1 5 1 6 64 -6 3 9 3 2 5 ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 5 आएगा, यहां से 5 आया ठीक। अब आता है ना भिंजोर, भूल गए क्या हो जाएगा, यहां लघुत्तम 12 3 4 12 8 -2 6 4 3 3 9 6 2 9 5 2 9 10 ठीक, 10 7 18 -9 6 15 15 18 -5 3 3/12 मतलब 1/4 यहां से 1/4 मतलब 5 + 1/4 आया ना, इसको हम कैसे लिखेंगे पूर्णांक में, 5 पूर्णांक 1/4 आंसर आपका है ठीक, कोई दिक्कत है ना। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग ठीक, 4.5 का पावर 3.7 है, गुना में है 20.25 का पावर 1.3, गुना में फिर है 91.125 का पावर 1.8 बराबर किसके है 4.5 एक्स प्लस 5.2 ठीक। अब बताइए यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे राइट साइड में 4.5 है, अगर आपको थोड़ा भी दिमाग होगा मतलब 2% भी या 10% भी दिमाग होगा तो आप ये गौर लगा सकते हैं कि ये जो 4.5 होगा ना इसी का पावर में ये सब संख्या खेलेगा, सब संख्या इसी के पावर, और लास्ट में जो बेस बचेगा ये 4.5 ही बचेगा ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड भी वही है राइट साइड भी वही है ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं वही दिमाग लेके ठीक, 4.5 है का पावर 3.7 गुना में 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही होगा, अब पॉइंट का स्क्वायर करने नहीं आता है तो कुछ मत करिएगा, 45 का कर लीजिए ठीक है, पॉइंट नीचे कर लीजिए बाय 10, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, जितना आएगा बाय 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही करिएगा। मान लीजिए बोलेगा सर क्यूब रूट हमको नहीं निकालने आता है या फिर स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है पॉइंट का, कुछ नहीं, मान लीजिए 20.25 है ना इसका मतलब स्क्वायर रूट बोलेगा आपको निकालने, तो अंडर रूट कर लीजिए, 20.25 है ना 20 25 कर लीजिए बट्टा 100 कर लीजिए, पहले इसका निकाल लीजिए फिर इसका निकाल लीजिए, बस जोड़ घटाओ कर लेना भाग हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं 1.3 आना चाहिए ठीक। देखिए अब इसका स्क्वायर इतना आएगा तो भाई एक पहले से भी तो स्क्वायर है 1.3, अब आपको पता है पावर जो होता है ठीक है वो क्या होता है गुना होता है ना, तो 2 × 1.3 हो जाएगा। अब देखिए 4.5 इसी के पावर 3 बार करिएगा ना तो यही आएगा ठीक, करके देखिएगा आ जाएगा, क्योंकि हम आपको क्या बोले ये 4.5 ही सब गेम कर रहा है क्योंकि दोनों साइड है, तो इसी का पावर कुछ ना कुछ तो आना ही है ठीक सब में, 4.5 x + 5.5। अब देखिए सब में 4.5 है 4.5 है 4.5 है, क्या बन जाएगा
तो पहले ये गुना है ना, सॉरी ये भी गुना है, प्लस नहीं गुना है। तो आपको पता है मतलब ये बेस जो है सेम रहेगा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, इसमें ऐड हो जाता है। बेस जब सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब जुट जाता है। 3.7 प्लस 2×1.3 इक्वल टू 2.6 प्लस 3×1.8 क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। बराबर में कितना है, 4.5 एक्स प्लस 5/2। अब आपको पता है ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, ये तो फिर ये और ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक। ये बेस सेम है, ये बेस सेम, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। लिखिए 3.6 प्लस 2.6 प्लस 5.4 बराबर एक्स प्लस 5/2। जोर घटाओ कर लीजिए, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, एक्स हमको निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 0.2। ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। 7×6 13, 2×15 हाथ में 1×1 2 3 3 6। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िएगा।